नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है आज सुबह के ताजा तरीन खबरों की। सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की मोबाइल न्यूज 24 के टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के न्यूज बुलेटिन की। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं, देश मना रहा है आज 74वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले से आज वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। जेजेई मेंस 2020 परीक्षा एडमिट कार्ड आज हो सकता है जारी। राहुल बोले, पीएम मोदी के व्यक्तिगत साहस की कमी देश पर पड़ेगी भारी। भारतीय नौसेना और होगी मजबूत। राजनाथ सिंह बोले, दुश्मन देशों की किसी भी हरकत का जवाब देने को तैयार हैं। HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया खास कार्ड। इसके अलावा और भी कई काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को अंत तक जरूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल घंटी को भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया की सभी फायदेमंद खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जहां आज इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से देश को संबोधित करते हुए वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना का ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत सबका एक हेल्थ कार्ड बनेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेजेई मेंस 2020 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। ऐसे में जिन स्टूडेंट ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे जेजेई मेंस 2020 एडमिट कार्ड जारी होने के बाद jjeemains.nta.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि महात्मा गांधी हमारे स्वाधीनता आंदोलन के मार्गदर्शक रहे। उनके व्यक्तित्व में एक संत और राजनेता का जो समन्वय दिखाई देता है, वह भारत की मिट्टी में ही संभव था। भारत चीन मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से हिचक रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारियां कर रहा है और मोर्चा साधे है। राहुल ने आगे कहा कि पीएम के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। कुलभूषण जाधव मामले में भारत सरकार ने पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव मामले में ICJ के फैसले को लागू करने में, मुख्य मुद्दे को संबोधित करने में लगातार विफल रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसी विश्वघाती देशों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना अपनी उच्च क्षमता को और अधिक बढ़ाने में लगी है। जहां इस बीच सूत्रों के अनुसार भारतीय नौसेना ने तत्काल 10 जलपोत ड्रोन खरीदने के लिए प्रस्ताव पारित किया है, ताकि इन देशों की हरकतों पर नजर रखी जा सके। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम दिलों को जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई इसका गलत मतलब ना निकाले। UAE और इसराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते का भारत ने स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि हम UAE और इसराइल के बीच संबंधों के सामान्य होने का स्वागत करते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मदद से इसराइल और UAE के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के खाते से बड़ी रकम निकालने वाले कौन लोग थे, ईडी धीरे धीरे इसकी तह में पहुंच रहा है। इसी बीच जांच के दौरान ईडी को पता चला है कि सुशांत के खाते से 5 लाख रुपए की रकम सैमुअल मिरांडा ने निकाली थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की करीबी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना को मात दे दी है, जहां उन्होंने खुद इसकी जानकारी ट्वीट करके दी। गौरतलब है कि अमित शाह को कोरोना होने की पुष्टि के बाद से वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के 4 MOU और कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे न केवल घरेलू मांग पूरी होगी, बल्कि निर्यात के लिए भी उत्पादन को बल मिलेगा। राजस्थान में महीनों से जारी सियासी हलचल के बाद कांग्रेस ने विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पारित किया, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा सत्र रविवार से शुरू हुआ है।
एयर एशिया ने 25 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच यात्रा अवधि के लिए सशस्त्र बलों के जवानों को बिना बेस किराए 50,000 सीटों का ऑफर दिया है। एयरलाइन ने कहा है कि यात्री इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच अपना डिटेल ऑनलाइन भेज सकते हैं। WHO और यूनिसेफ की रिपोर्ट पर यकीन किया जाए तो भारत में फिलहाल स्कूल खोलना ठीक नहीं होगा। दरअसल WHO और यूनिसेफ के मुताबिक भारत के प्रति 3 स्कूलों में से केवल एक ही स्कूल में पीने की पानी की व्यवस्था है। ऐसी हालात में भारत के स्कूलों में COVID-19 के मद्देनजर हालात असहज हो सकते हैं। COVID-19 से निपटने की मुहिम में फार्मा कंपनी अरविंदो ने प्रस्तावित वैक्सीन के परीक्षण की बात कही है, जिसमें उसने उम्मीद जताई है कि पहले और दूसरे चरण का परीक्षण 2020 के अंत तक पूरा हो जाएगा, जबकि तीसरे चरण का परीक्षण अगले साल मार्च अप्रैल के दौरान किया जा सकता है। देश के प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए एक खास कार्ड लॉन्च किया है, जहां इस बैंक की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सूर्या KGC कार्ड अनूठे फीचर के साथ आता है। बैंक का दावा है कि यह सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है और अपनी तरह का पहला कार्ड है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा ने सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020 का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र छात्राएं OSSTAT.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि सदन के अंदर विश्वास मत को बहुमत से पारित किया गया, जो अटकलें लगाई जा रही थी उन्हें विराम मिला है। पायलट ने कहा कि उन सभी मुद्दों के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है जो उठाए जा रहे थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि रोडमैप की समय पर घोषणा की जाएगी। खबर है कि भारतीय सेना सितंबर के महीने में रूस में होने वाली मल्टीनेशनल एक्सरसाइज कवकास 2020 में हिस्सा लेने जा रही है। खास बात यह है कि इस अभ्यास में रूस ने चीन और पाकिस्तान को भी न्योता दिया है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन झंडा नहीं फहराएंगे, क्योंकि कोझिकोड में एयर इंडिया के विमान मामले के बाद वहां का दौरा करने वाले मुख्यमंत्री पिनराई विजयन सहित अन्य लोग सेल्फ क्वारंटीन में जा रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी जगह कर्नाटक सरकार के कोऑपरेशन मंत्री कांडा कपल्वी सुरेंद्रन तिरंगा फहराएंगे। दिल्ली में कोरोना के करीब 1200 नए मरीज मिलने के बाद यहां कोरोना के मामले की कुल संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई। वहीं दिल्ली में अब तक कुल 1,35,108 मरीज कोरोना को मात देकर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। बिहार चुनाव से पहले NDA में खिस्तान की स्थिति बन गई है, जहां इस बीच JDU के नेता और मंत्री जयकुमार सिंह ने LJP के रवैये पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि रामविलास पासवान का हम सभी सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान की भाषा सहयोगियों जैसी नहीं लगती। हरियाणा के चर्चित IAS अधिकारी अशोक खेमका ने कानूनी प्रक्रिया को सरलीकरण की आवाज उठाई है। दरअसल उन्होंने कानून और न्याय को लेकर ट्वीट किया, जिसमें कानूनी पेचीदगियों के चलते न्याय में देरी होने पर सवाल खड़े किए गए हैं। आपको बता दें कि खेमका खुद भी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही LLB की डिग्री मिलने वाली है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पार्टी संगठन के पुनर्गठन प्रक्रिया के दूसरे चरण में दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना के समय जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छी भूमिका निभाई थी, उनको संगठन में महत्व पद दिया गया है। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों, VVIP सुरक्षा कर्मियों और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की एक संयुक्त टीम अमेरिका से विशेष एक्स्ट्रा सेक्शन फ्लाइट या VVIP एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 लेने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी सरकार के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को दी है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा जिला मुख्यालय पर लेखपाल संघ द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल लेखपालों द्वारा मांग की गई कि लंबित समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द कराया जाए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस का आयोजन COVID-19 के चलते विगत वर्षों की अपेक्षा सादगीपूर्ण रहा। उत्तर प्रदेश के महोबा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार बता रहे हैं कि महोबा जिला के जैतपुर ब्लॉक में ग्राम सिरमोर के संगठन सृजन अभियान के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष तुलसी लोधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य के 2613 SMC शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। आपको बता दें कि भर्ती के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार करते हुए
न्यायाधीश सीबी बोरावालिया की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। तो ये थी आज सुबह की सभी ताजा खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ताकि देश और दुनिया की सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।